हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फैशन योर चेतना। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल स्टोर का रिव्यू। सो बेसिकली ये एक ऐसी वेबसाइट बोल सकते हैं जो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है इनका पेज, और लाइक 2 to 3 ईयर पहले भी इनका पेज था। शायद इंडिया से नहीं, बाहर से स्टोर आता था इनका, जो भी कलेक्शन था बाहर से आता था। बट राइट नाउ इनका शायद वेयर हाउस दिल्ली में सेट हो गया है। सो ये इनके इंस्टाग्राम पेज से सेल करते हैं। आई डोंट नो इसकी ऐप है या नहीं है, मैंने इसको इंस्टाग्राम स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से ऑर्डर किया है। सो पर्सनली मैंने यहाँ पे 5 ऑर्डर प्लेस किए थे जो कि टी शर्ट्स थे, बट उन्होंने मेरे ऑर्डर जो है वो स्प्लिट कर दिया, लाइक 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। सो मुझे 1 ऑर्डर अभी रिसीव हो गया है, 2nd ऑर्डर मैं नहीं लूँगी। क्यों नहीं लूँगी वो वीडियो में आगे बताती हूँ। सो इसलिए ये वीडियो उसके रिगार्डिंग होने जा रहा है। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि स्ट्रीट स्टाइल स्टोर जो है वो एक ऐसा ऐप है या ऐसी वेबसाइट है जो आपको चीपेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है, चाहे वो फुटवेयर से रिलेटेड हो, टी शर्ट, टॉप, पैंट्स कराती है बहुत ही चीपेस्ट अमाउंट में। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर सोचो कि आप 250 या 350 का सोच रहे हो प्राइस, तो आप इतना पे कर रहे हो, आप सोचो कि हमको 800 900 जैसी क्वालिटी मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पे लाइक 5 टी शर्ट ऑर्डर करी थी, जिसमें से मुझे 3 आज रिसीव हो चुकी है। सो मैंने भी आपके लोगों की जैसे ही कुछ सोचा था कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी आएगी, क्योंकि इनकी इमेजेस आप देखते हो ना, मतलब देख के इतना दिल खुश हो जाता है कि हर कोई परचेस करने के लिए रेडी हो जाता है। सो मैंने भी इनकी इमेजेस देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड आई थॉट कि ऐसा टी शर्ट तो मेरे पास नहीं है, मुझे ऑर्डर करना चाहिए। सो मैंने ऑर्डर किया एंड बहुत सस्ते में भी मिल रहा था, सो मैंने ऑर्डर कर दिया। सो आज मुझे 3 टी शर्ट रिसीव हो गए हैं। सो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो पहले जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मैंने जैसा कि आपको बताया, मैंने 5 टी शर्ट ऑर्डर करे थे, जिसमें से कुछ नियॉन कलर के थे, लेवेंडर कलर के थे। एंड जैसा कि आपने स्ट्रीट स्टाइल स्टोर के पेज पे देखा होगा, बहुत ही कॉमन टी शर्ट है जो दिखते हैं सबको, देखते हैं पसंद आ जाते हैं, वैसे ही मैंने कुछ टी शर्ट ऑर्डर किए थे। टॉप मैंने ऑर्डर नहीं किए थे क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के रिव्यू सुने थे कि उनकी क्वालिटी लाइक जैसा इमेज में दिखाते हैं वैसी नहीं आती है। सो मैंने ऑर्डर नहीं किए थे, मैंने टी शर्ट ऑर्डर किए थे। सो सबसे पहले मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ ये वाला ऑरेंज कलर का टॉप। सो अगर आप इसकी क्वालिटी की बबात करूँ, तो इसका प्राइस मैंने मुझे 3 ऑर्डर रिसीव हुए हैं 798 के, तो उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस जो है वो 266 रुपीज़ है। सो अगर प्राइस के अकॉर्डिंग मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो ओके है। सो ये अगर आप ट्रांजी की बात करोगे तो ट्रांजी थोड़ा सा ट्रांजी है, बहुत ज़्यादा ट्रांजी भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रांजी है। और अगर मैं इसकी कलर ऑप्शन की बात करूँ कि जैसा इमेज में दिखाया था सेम कलर मुझे रिसीव हुआ है, बिल्कुल भी लाइट या डार्क रिसीव नहीं हुआ है, जैसा इमेज में दिखाया था वैसे ही मुझे कलर रिसीव हुआ है, थोड़ा सा ट्रांजी है। और इस टॉप का अगर मैं बात करूँ तो 266 रुपीज़ मैंने पे किया। सो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी है, सेटिस्फाइड हूँ मैं। अगर मैं सोचती कि 900 जैसी क्वालिटी आए तो उतना अमाउंट मैंने पे भी नहीं किया है। सो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी। एंड प्लस फिटिंग की अगर मैं बात करूँ तो लकीली मुझे फिटिंग बहुत अच्छी आ गई, मुझे 36 आता है बट मैंने एक साइज़ बड़ा ऑर्डर किया था 38, क्योंकि इस टाइप का जो मटेरियल होता है मैं हमेशा एक साइज़ बड़ा ऑर्डर करती हूँ। सो आई थॉट कि मुझे बड़ा ऑर्डर करना चाहिए, तो मैंने एक साइज़ बड़ा ऑर्डर किया, मुझे परफेक्ट फिटिंग आया है, क्योंकि वहाँ पे साइज़ चार्ट इतना परफेक्टली नहीं दिया हुआ था। सो मैंने अपने हिसाब से ऑर्डर कर दिया था और इसकी फिटिंग मुझे बहुत अच्छी आई। सो प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है मुझे। नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर किया है लेवेंडर कलर की टी शर्ट, इसका भी अगर आप उनके पेज पे जाओगे तो इस टी शर्ट का बहुत ही फोटो दिखता है, शायद बहुत सारे लोग इसको ऑर्डर भी करते हैं। सो मैंने भी इसका लेवेंडर कलर ऑर्डर किया, क्योंकि लेवेंडर कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने ये टॉप ऑर्डर किया। स्टाइल के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है। एंड फिटिंग की अगर बात करूँ तो मुझे अगेन एकदम परफेक्ट फिटिंग आई है, मैंने इसमें भी एक साइज़ बड़ा ऑर्डर किया है। स्लीव्स भी बहुत ही अच्छी आई है इसकी। अगर मैं इसकी ट्रांजी की बात करूँ तो ये इतना ट्रांजी नहीं है जितना कि ये ऑरेंज वाला थोड़ा सा ट्रांजी है, ये ट्रांजी नहीं है। आप आराम से इसके अंदर ट्यूब या ब्रा वियर करके या नीचे पैंट वियर करके स्टाइल कर सकते हो। सो इसकी डिज़ाइन जैसे इमेज में थी वैसी मिली है। क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इसका प्राइस भी मुझे 266 रुपीज़ पड़ा है। सो प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है और फिटिंग भी बहुत परफेक्ट आई है। सो आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद दिस टॉप।
लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अगेन लेवेंडर कलर का टी शर्ट है, ये हाई नेक या फुल कवर नेक टी शर्ट है। सो ये मैंने ऑर्डर करी है, इसकी फिटिंग भी मुझे बहुत अच्छी आई है। अगर हम इसकी ट्रांजी की बात करें तो ये भी जैसा ऑरेंज वाला ट्रांजी है जितना उतना ही ये ट्रांजी है। सो बेसिकली हम इसके अंदर ब्रायन स्पैगेटी वियर करके या कैमिसोल वियर करके हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। और ये जो तीनों ही टॉप मैं आपको दिखा रही हूँ वो क्रॉप टॉप कलेक्शन में से, ऐसा फुल लेंथ नहीं है। सो मैंने बेसिकली क्रॉप टॉप ही ऑर्डर किए थे। सो ये टॉप है और इसकी फिटिंग, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसका प्राइस भी मुझे 266 रुपीस पड़ा है। सो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी। सो मैंने ये तीन टॉप ही बेसिकली परचेस किए हैं और दो टॉप जो मैंने, जैसे कि आपको बताया कि मेरा सेकंड ऑर्डर स्प्लिट हो गया है, सो उसको मैं नहीं लूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ रीज़न कि मैं उसको क्यों नहीं लूँगी। पहली बात तो ये कि स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से जब मैंने शॉपिंग करी थी तो मैंने ऐसे ही कलेक्शन उठा लिए थे, लाइक जो मुझे इमेजेस टी शर्ट की अच्छी लग रही थी वो मैंने जल्दी से कार्ट में ऐड किया एंड ऑर्डर प्लेस कर दिया था। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे क्या परचेस करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो मैंने यूट्यूबर्स का सुन रखा था कि उसकी क्वालिटी नहीं आती, जैसा इमेज में दिखाते वैसा नहीं आता। तो मैंने जस्ट सोचा था कि ठीक है चलो ट्राई करके देखते हैं। सो मैंने अप्रॉक्स 1000 या 1100 के समथिंग कुछ ऑर्डर प्लेस किया था एंड ये प्लेस हो गया था। सेकंड थिंग ये है कि उसमें ये था कि अगर आपका ऑर्डर मतलब आपको रिसीव होता है और फिटिंग वगैरह कुछ भी अच्छी नहीं आती है तो रिटर्न में बहुत प्रॉब्लम आती है। दैट्स वाई मैंने सोचा था कि चलो कुछ भी ऑर्डर कर देते। सो मैंने वहाँ पे कोई ड्रेसेस, फुटवेयर तो मैंने 3 से 4 साल पहले ट्राई कर रखे थे, तो उस समय उनका जो क्वालिटी था वो बहुत अच्छा था। अभी मैं श्योर नहीं थी कि उनकी क्वालिटी कैसी आएगी, सो मैंने कुछ भी ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया, नॉर्मल 5 टी शर्ट ऑर्डर करी थी। सो दूसरी जो सेकेंड पार्सल में जो मेरी टी शर्ट्स हैं उसमें एक नियॉन कलर की टी शर्ट है एंड एक व्हाइट कलर की टी शर्ट है, और उसमें एक इसी टाइप की व्हाइट कलर की टी शर्ट है और एक जो है इसी टाइप की नियॉन कलर की टी शर्ट है। सो पैटर्न सेम हो जाएगा एंड कलर ऑप्शन जरूर अलग है, बट मैंने सोचा कि 5 टी शर्ट का मैं क्या करूंगी जब मुझे 3 टी शर्ट की क्वालिटी पता चल गई है, मुझे इनका फैब्रिक कैसा पता चल गया, प्राइस के अकॉर्डिंग ये कैसे मिलते हैं पता चल गया, तो मैं 2 टी शर्ट और लेके क्या करूंगी। और सेकेंड थिंग ये है कि प्राइस के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, बट मुझे डिलीवर करने में इन्होंने अप्रॉक्स 20 से 21 डेज ले लिए दिल्ली से कर्नाटका आने में। सो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इन्होंने डिलीवर करने में। सो अगर फर्दर मैं फ्यूचर में सोचती हूँ कि मुझे यहाँ से ऑर्डर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो एक चीज़ तो ये कि फिक्स हो गई है कि ये इमेज में बहुत क्यूट दिखाते हैं, बट आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्वालिटी के साथ में, क्योंकि आप बहुत ही कम अमाउंट पे कर रहे हो, आप सोचो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट मिल जाए, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सो मैं फर्दर फ्यूचर में शॉपिंग नहीं करूँगी क्योंकि प्राइस इनका कम है बट डिलीवरी बहुत ज़्यादा लेट है, प्लस अगर फिटिंग वगैरह नहीं आती है तो रिटर्न में बहुत प्रॉब्लम पड़ती है। और सेकंड पार्सल जो मैंने ऑर्डर किया वो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि सेम टी शर्ट का मैं क्या करूँगी। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मुझे कुछ और प्रोडक्ट भी ऑर्डर करने चाहिए, मैंने नॉर्मल टी शर्ट ऑर्डर कर दिया कि रिसीव होते हैं कि नहीं होते हैं, सेम क्वालिटी मिलती है कि नहीं मिलती, जस्ट ट्राई करने के लिए मैंने ऑर्डर किया था। सो अभी मुझे मिल गया है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट मैं अपना सेकंड पार्सल नहीं लूँगी। अगर आप सोच रहे हो कि स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से शॉपिंग करें तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि डिलीवरी बहुत लेट होती है, फिटिंग वगैरह में कुछ प्रॉब्लम होगी तो रिटर्न में बहुत प्रॉब्लम आती है और बहुत ही सोच समझ के आपको लेना पड़ता है। अगर आप इस टाइप की टी शर्ट लेने का सोच रहे हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि इनकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आई है, क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी अकॉर्डिंग टू प्राइस। ओके, और टॉप की अगर आप सोच रहे हो तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स का सुना था कि टॉप जैसा इमेज में दिखाते हैं यहाँ से शोल्डर लूज आ जाता है या मतलब जैसा भी है अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए मैंने टॉप ऑर्डर नहीं किया। ड्रेसेस का मुझे नहीं पता, फुटवेयर मैंने 3 से 4 साल पहले ऑर्डर किए थे, बहुत ही अच्छे आए थे। सो आप ट्राई कर सकते हो फुटवेयर, आई थिंक 800 में 3 पीस मिलते हैं या 900 में 3 पीस मिलते हैं, ऐसा कुछ है, तो आप चेक कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग इस टी शर्ट के बारे में सोच रहे हो कि हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो इतने कम अमाउंट में। और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज, बाय बाय।